हेलो दोस्तों, आर्किटेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, जितना सारा कंपोनेंट्स होता है, ये देखिए कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, आईसी, मॉस्फेट, ट्रांजिस्टर, जितना सारा कंपोनेंट्स है, इसको आप मल्टीमीटर से कैसे चेक करोगे, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए, तब जाके आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा, या फिर किस तरह से इसको चेक करेंगे मल्टीमीटर से, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए बिना स्किप किए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को आप अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो आज का दोस्तों, आज जो ये वीडियो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें देखिए कितना सारा कंपोनेंट है। मैं एक को बारी बारी चेक करके आप लोगों को इस मल्टीमीटर से चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये कंपोनेंट्स को चेक करने से पहले, सबसे पहले आपको मल्टीमीटर के बारे में जान लेना होगा। ठीक है, कि आप इस मल्टीमीटर को कैसे आप यूज कर पाओगे, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगा इसका, जो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी रेड वाला निशान है यहाँ, इसके ऊपर ये इसको हम सिलेक्ट करके सारा कंपोनेंट को हम चेक करेंगे। ठीक है, और ये जो ग्रीन निशान दिख रहा है, 200 200 से 2 ओम, 2 मेगा ओम तक, 200 ओम से लेके 2 मेगा ओम तक, जो ग्रीन जो जगह है, ये रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे HFE लिखा हुआ है, और साइड में NPN और PNP लिखा हुआ है। ये जगह ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए जो V करके यहाँ पर इस तरह का एक निशान है, वो AC वोल्टेज के लिए, यहाँ पर देखिए 200 वोल्ट से 600 वोल्ट तक हम AC यहाँ पर मेजर कर सकते हैं इस मल्टीमीटर से। और इस तरफ देखिए, यहाँ पर हम DC वोल्ट मेजर कर सकते हैं 600 वोल्ट तक, 2 वोल्ट से 600 वोल्ट तक यहाँ पर DC रेंज हम DC वोल्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे डाल दिया है इस तरह से, और अभी इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे दोनों प्रोब को। ये देखिए बाजार साउंड हो रहा है। ठीक है, मतलब ये शॉर्ट शॉर्ट करने से साउंड होता है, बाजार बजता है। ठीक है, अभी इसमें हम सारा कंपोनेंट्स को हम चेक करेंगे। पहले हम एक डायोड को ले लेते हैं। दोस्तों डायोड को आपको समझना पड़ेगा चेक करने से पहले, कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। एक्चुअली जब आप देखेंगे, ये जो सिल्वर निशान है, इस तरफ पॉजिटिव होता है, और जो ब्लैक निशान है, इस तरफ नेगेटिव होता है। ठीक है, जो डायोड है वो इस तरह से, यहाँ से इस तरह से इस साइड में करंट को फ्लो करता है, मतलब यहाँ से पावर दोगे तो इस साइड पावर आउट होगा, इस तरह से पावर दोगे तो इस तरफ पावर आउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर इस ब्लैक वायर निशान पर हम रेड वाला प्रोब पर रखेंगे, और इस साइड में हम ब्लैक वाला प्रोब पर रखेंगे। ठीक है, इसमें वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब है डायोड ठीक सही है। अगर इसमें दोनों में से टच करने पर कंटिन्यूटी आता है, इस तरह का बाजर साउंड आता है, तो उसका मतलब ये डायोड खराब है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो डायोड है ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद कुछ कैपेसिटर को ले लेते हैं। कैपेसिटर इसका तो आप देख कर ही पता चलता है, ये जो ब्लैक निशान है, ब्लैक निशान जो दिया गया है, इस साइड में जो पिन है वो नेगेटिव है। ठीक है, इस साइड में जो पिन है वो नेगेटिव होता है, और दूसरा साइड जो पिन होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसमें से देखिए हर एक कैपेसिटर का वैल्यू अलग अलग होता है, जैसे कि ये कैपेसिटर का वैल्यू यहाँ पे 1000 UF 40 वोल्ट का है। ठीक है, जैसे कि दूसरा कैपेसिटर को ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए इसका भी सेम है, ये जो निशान दिख रहा है व्हाइट निशान, ये नेगेटिव है और दूसरा साइड पॉजिटिव है। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है देखिए, 160 वोल्ट 220 UF माइक्रोफेरेड।
ये देखिए इसका वैल्यू देखिए 16 वोल्ट 2200 UF, ठीक है। इसका भी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो अभी हम इसको बारी बारी चेक करते हैं मल्टीमीटर से। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, जो पॉजिटिव है हम पॉजिटिव में पॉजिटिव प्रोब को रखेंगे और नेगेटिव में नेगेटिव प्रोब को रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कुछ समथिंग वैल्यू वैल्यू दिखा के वो कुछ उसके बाद कुछ वैल्यू नहीं दिखाएगा, इसका मतलब ये कैपेसिटर हमारा सही है। अगर दोनों दोनों लेग को टच करने पर अगर कंटिन्यूटी आवाज आता है इस तरह से, तो आप समझेंगे कि एक कैपेसिटर ख़राब है, ठीक है। और वैसे भी कैपेसिटर ख़राब होने से आँखों से देख के पता चलता है, क्योंकि कैपेसिटर पीछे से कभी कभी कैपेसिटर ये पीछे से लीक हो जाता है या फिर यहाँ से फूल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर कोई ख़राब कैपेसिटर है तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए कैपेसिटर सामने से फटा हुआ है, ठीक है, और ये ख़राब है। पीछे से भी लीक हुआ है थोड़ा सा। इस तरह से कैपेसिटर को देख के भी आपको आपको पता चल जाता है, ठीक है। और दोस्तों इसका भी एक बार मैं चेक करवा देता हूँ, नेगेटिव को नेगेटिव पे और पॉजिटिव को पॉजिटिव पे। ये देखिए ये कैपेसिटर भी सही है, ठीक है। और दोस्तों कैपेसिटर दोस्तों और भी कई तरह का होता है, जैसे कि इस तरह का, ठीक है ना। तो इसमें हम चेक करेंगे और इसको भी चेक करके दिखाता हूँ। इसमें से एक को ले लेते हैं, पहले इसी को हम चेक करते हैं। इसके ये कैपेसिटर जो हम जब चेक करेंगे तो इसमें कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है कहीं पर भी, आप इसको चेक करवा सकते हो। ये देखिए इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। और दूसरा कैपेसिटर का, इसका भी कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए। ये देखिए इसका मतलब ये भी सही है, ठीक है। इस तरह से आप कैपेसिटर को, इस तरह का कैपेसिटर को भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ख़राबी क्या आता है, इस तरह जो फूला हुआ है इस तरह से फूल जाता है या फिर फट जाता है ख़राब होने के टाइम, ठीक है। लेकिन इसका जो ये फूला हुआ निशान है ये ख़राब नहीं है, ये नया ही ऐसा बना हुआ है, ये देखिए। और इसका एक वैल्यू रहता है, हर एक कैपेसिटर का एक वैल्यू रहता है, यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 105 400 वोल्ट, ठीक है। दूसरा वाला जो कहाँ गया, इसका देखिए 822 16 वोल्ट। और दूसरा जो कैपेसिटर था इसका वैल्यू यहाँ पर 2 KB के आसपास होगा, 2 KB के आसपास होना चाहिए। सही से दिख नहीं रहा है, ठीक है, लाइट थोड़ा कम है, ठीक है। दोस्तों अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। रेजिस्टेंस किस तरह से चेक करते हैं वो मैं अभी दिखाता हूँ। दो चार रेजिस्टेंस अलग अलग टाइप का ले लेता हूँ अगर है तो, ठीक है। फिलहाल अभी ये एक है, ठीक है। रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हमें कंटिन्यूटी रेंज पर भी हम चेक कर सकते हैं, या फिर ये जो यहाँ पर ओम लिखा है उसको भी देखे हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ इधर करेंगे, यहाँ पर भी कुछ वैल्यू नहीं है, यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं है। 20 किलो ओम पर रखा है, यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं है। 200 किलो ओम पर, यहाँ पर भी कोई वैल्यू शो नहीं हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये मेगा ओम पर शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप चेक करेंगे।
और दूसरा वाला को ले लेते हैं। इसका वैल्यू शो नहीं होगा, नहीं हो रहा था। ये देखिए, ओह सॉरी, इसमें कोई वैल्यू शो नहीं हो रहा है। ये देखिए कंटिन्यूटी में रेंज पे ये शॉर्टिंग बता रहा है, मतलब ये शॉर्ट शॉर्ट नहीं है, इसका ओहम थोड़ा सा कम है, इसलिए ये कंटिन्यूटी बता रहा है। ठीक है, मतलब ये फ्यूज फ्यूज रेजिस्टेंस का काम करेगा है वो रेजिस्टेंस। अभी यहाँ पर देखिए कितना है, ये इस रेजिस्टेंस का हम अभी चेक कर दें, 990 दिख रहा है। एक मिनट, तो 1K का रेजिस्टेंस है। हाँ ये देखिए, अभी 1K का रेजिस्टेंस हाफ वाट में है ये। ठीक है, इस तरह से रेजिस्टेंस को भी आप चेक कर पाएंगे मल्टीमीटर से। उसके बाद मैं अभी यहाँ से एक ट्रांजिस्टर को ले लेता हूँ। स्टीयर हो गया, इसको भी ले लेते हैं। पहले इस ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं, इसका वैल्यू देखिए कितना है, 1802। ठीक है, ये ज़्यादातर टीवी में लगा रहता है, इसको पहले कंटिन्यूटी पे लगा देंगे। उसके बाद ये देखिए, इस तरह से हम चेक करेंगे। ठीक है, अगर इसमें से चेक करने पर अगर कंटिन्यूटी आवाज आता है तो आपको समझना पड़ेगा ये खराब हो चुका है। ठीक है, इस तरह से वैल्यू आना चाहिए, तीनों पिनों में कोई कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए, तीनों पिन पे कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए, तब जाके आपको आप समझेंगे कि ये ट्रांजिस्टर सही है। ठीक है, अभी इस ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। ये देखिए 2355 का ट्रांजिस्टर है, और यहाँ पर देखिए मैंने लिख के रखा है ये बेस कलेक्टर और ये एमिटर। ठीक है, मैंने लिख के रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम बेस जो कलेक्टर है वो ये पूरा बॉडी इसका कलेक्टर है। ठीक है, तो इसमें हम इसको लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए टच करते हैं तो शॉर्टिंग बता रहा है, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। ये शॉर्टिंग बता रहा है दोस्तों, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर मेरा ख़राब हुआ था। ठीक है, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। ठीक है, और देखिए आपस में और लगा देंगे, वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ये शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तब आपको पता होना चाहिए कि ये ख़राब है। ठीक है दोस्तों, और दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर एक वॉल्यूम का जो वेरिएबल रजिस्टर है जिसको बोलते हैं, इसको कैसे चेक करेंगे। देखिए ये दोनों पिन को आपस में इसमें और इसमें और इसमें लगा देते हैं, कंटिन्यूटी साउंड आ रहा था। एक मिनट, ठीक से पकड़ नहीं पा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए ये आपस में कंटिन्यू आवाज आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं आएगा। हम इसको घुमा देंगे, तो घुमा दिया, अभी कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए इसके साथ। ये देखिए नहीं है, लेकिन अभी अभी इसमें और इसमें कंटिन्यूटी आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इसका मतलब ये वेरिएबल रजिस्टर वही यहाँ पर कितना है,
100K का है, यह भी हमारा सही है। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पर एक ब्राजार है जो इसको भी हम अभी चेक करके दिखाते हैं मल्टीमीटर से, यह भी हम कॉन्टीन्यूटी रेंज पर ही चेक कर सकते हैं। इसको आपस में टच करके कॉन्टीन्यूटी साउंड आएगा, ये देखिए एक वैल्यू आ रहा है, मतलब शायद ये ख़राब हो चुका है। लगता है ये शायद ख़राब है। ठीक है दोस्तों, और देखता हूँ यहाँ पर क्या क्या है मेरे पास। यहाँ पर एक आईसी पड़ा हुआ है जो कि इस आईसी का नंबर है 2030 का आईसी है, पॉपुलर आईसी है जो हम थिएटर में लगा रहता है। अभी देखिए ये पहला वाला लूप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पांच लूप है। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह से चेक करता हूँ एक एक करके, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, बीच में कोई वैल्यू नहीं है, बीच में थोड़ा सा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, और इसमें भी थोड़ा सा नहीं है और इसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी हम इस तरह से चेक करेंगे इसको, ये जो इसमें इसके इसके साथ टच करेंगे, ये सबसे आसान तरीका है। इसके ये जो पीछे का जो ये है, ये बॉडी है, वो ग्राउंड है, तो हम ग्राउंड में ग्राउंड को टच करेंगे, उसके बाद एक एक प्रोब को हम चेक करेंगे। इसमें देखिए कोई वैल्यू नहीं है, इसके इसमें भी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये जो ग्राउंड है इसलिए कॉन्टीन्यूटी रेंज में है, रेंज कॉन्टीन्यूटी बजेगा। उसके बाद ये इसमें थोड़ा सा वैल्यू आके चला गया, और इसमें देखिए थोड़ा सा दिख रहा है, हाई हाई दिख रहा है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन ये आईसी सही है। ठीक है ना दोस्तों, और देखिए ये एक कोयल है। ठीक है, इसको आप ट्रांसफार्मर मत समझिए, क्योंकि ये एक ट्रांसफार्मर जैसा दिखता है लेकिन ये कोयल है। अभी देखिए इसका जो वाइंडिंग है वो एक तरह यहाँ से शुरू होके वहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, यहाँ पर शुरू होके वहाँ पर ख़त्म होता है, तो इस तरह से हम इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। ये देखिए हो रहा है, और इसको भी यहाँ पर और यहाँ पर, ये देखिए कंटिन्यूटी रेंज पे है, ये देखिए। लेकिन जब हम इस तरह से चेक करेंगे तो इसमें कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए आपस में, ये देखिए इस तरह से चेक करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, और आ भी नहीं रहा है, मतलब ये भी सही है। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर नया कुछ मिल जाता है तो, छोटा छोटा ट्रांजिस्टर है, एक प्रीसेट भी है। यहाँ पर एक एसटीआर है, इस तरह का छोटा छोटा ट्रांजिस्टर आता है, इसको भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कॉन्टीन्यूटी रेंज पर इसको भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो ये इस जगह दिया गया है एनपीएन पीएनपी का, इसके ऊपर भी हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इस तरह से चेक करके आप लोगों को बताता हूँ। देखिए कोई वैल्यू नहीं है, अभी हम मल्टीमीटर को चेंज कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 700-800 के आसपास वैल्यू दिखाई दे रहा है, ये देखिए इसका मतलब ये भी ट्रांजिस्टर हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसका और एक वीडियो में लाऊंगा, और भी कुछ नया सामान लेके आपको चेक करके वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। दोस्तों आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ आप वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, ताकि हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगे, हमें भी पता चले कि मेरा ऑडियंस जो है मेरे वीडियो को पसंद करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।